हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो आई डिस्कस इंसर्टिंग सेल्स इन अ वर्कशीट कैसे एक एक सेल को हम लोग ऐड कर सकते हैं एक वर्कशीट में एंड डिलीटिंग सेल्स ओके ये दो टॉपिक को मैं इसी वीडियो में कवर करूँगी ना लेट्स सी वेरी वेरी सिंपल थ्री वेज आर देयर ओके लेट्स फोकस ऑन दैट सेम वर्कशीट आई एव ऑलरेडी मेड ओके नो लेट्स सी मुझे यहाँ पे कुछ डेटा है ओके बट आई वॉन्ट टू इंसर्ट व न्यू सेल क्या करेंगे सपोज uh, मैं चाहती हूँ कि अजय अमन से पहले भी uh, कोई स्टूडेंट है मैं इसको नीचे कर दूँ ओके okay? तो कोई एक नया जॉइन किया मुझे उसको नीचे कर देना है ओके सो वॉट टू डू क्लिक क्लिक ओवर देयर होम टैब में सेल ग्रुप में जाओगे सी सेल ग्रुप होम टैब सेल ग्रुप इंसर्ट डायरेक्टली इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो देखो जगह खाली हो गया ना तो यहाँ पे अगर तुम्हारा कोई स्टूडेंट आता है जिसको तुम लोग रोल नंबर वन अलॉट करते हो वो दे सकते हो ओके सो लाइक दिस ये एक हो गया दूसरा ऑप्शन क्या है दूसरा तरीका क्या है अच्छा स्टूडेंट्स यू ऑलरेडी नो व्हाट इज अंडू एंड रीडू इसमें भी है अंडू कर सकते हैं कर लो अंडू तो बैक हम लोग नॉर्मल पे आ गए दूसरा तरीका क्या है सपोज मुझे यहाँ पे इनको अलग करना है वॉट टू डू सेलेक्ट हो गया सेल अगेन होम टैब से सेल ग्रुप में जाओगे इंसर्ट अब देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू तब पिछली बार हम लोग यहाँ क्लिक किए थे ऊपर है ना सेकेंड मेथड पे ड्रॉप डाउन मेनू जो है उस पर क्लिक करोगे सी इंसर्ट सेल हम लोग इंसर्ट सेल सीख रहे हैं ना देखो एक ऐसा ऑप्शन चार ऑप्शन दिखाएगा सी सो so, इस चार ऑप्शन में तुमको दिखा रहा है शिफ्ट सेल्स राइट शिफ्ट सेल्स डाउन एंटायर रो एंटायर कॉलम ओके okay. तो अब ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट शिफ्ट सेल्स डाउन यानी कि अगर यहां पे एक नया जगह बनाओगे तो जितने भी सेल्स हैं वो नीचे चले जाएंगे मींस अजय अमन विष्णु जो भी नाम दिखा रहे हैं वो एक स्टेप नीचे चले जाएंगे ओके और अगर राइट करती हूं तो एक सेल वो लोग राइट चले जाएंगे तो पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कैसे दिखेगा ओके तो सेल डाउन करेंगे देखो जैसे कि मैंने कहा था सारे के सेल्स नीचे चले गए ओके अंडू करते हैं ओके फिर चलते हैं फिर दोबारा से देखते हैं कैसा दिखेगा ड्रॉप डाउन मेनू में इंसर्ट सेल्स एक ऑप्शन आ गया अब हम लोग देखते हैं कि सेल्स को अगर राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो कैसे दिखेगा? सी जितने भी उसके बाद के सेल्स थे वो एक राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गए तो यहां पे एक जगह बन गया इंसर्ट एक नया सेल इंसर्ट हो गया और बाकी के जितने सेल्स थे वो कहाँ शिफ्ट हो गए राइट हैंड साइड को ओके okay? फिर एंडो करते हैं एक एंटायर रो और एंटायर कॉलम है उसको भी देख लेते हैं एक साथ सी अब बोल रहा है एक एंटायर रो करने के लिए तो क्या होगा एंटायर रो यानी कि पूरा रोल नंबर नेम सेक्शन सभी के लिए एक रो नया सा बन जाएगा ओके okay, सी एक नया रो ऐड हो गया ना इधर है ना तो ये पूरा नया एक रो बन गया तो तुम लोग अगर पूरा रो में डेटा डालना चाहते हो डालो कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके okay? अगर पूरा एक एंटायर कॉलम देना चाहते हो अगेन इंसर्ट पे नीचे इंसर्ट सेल्स सी एंटायर कॉलम बोल रहा है क्लिक करो ओके okay करो देखो पूरा एक एंटायर कॉलम ऐड हो गया ना सो लाइक दिस यू कैन इंसर्ट न्यू रोज न्यू सेल्स न्यू कॉलम्स इन दिस वे ओके नाउ लेट्स फोकस हाउ टू डिलीट अच्छा और एक भी ऑप्शन है सॉरी दो ऑप्शन खत्म हुआ एक तो है कि सबसे पहले क्या करना है सेल uh, को सिलेक्ट करना है जहाँ तुमको नया सेल चाहिए फिर होम टैब में होके okay, हमको जाना है सेल ग्रुप में सेल ग्रुप में इंसर्ट ऑप्शन में हो गया एक तो पहले यहाँ क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन था सेकंड ऑप्शन डाउन मेनू में क्लिक करके था थर्ड ऑप्शन क्या करना है कहीं जाने की जरूरत नहीं है सिंपल वहीं पे राइट क्लिक करोगे सी इंसर्ट दिखा रहा है क्लिक वो चारों के चारों ऑप्शन तुमको यहीं पर मिल जाएंगे ओके okay. तो जैसा तुम लोग चाहते हो वैसा यूज़ कर सकते हो तो तीन ऑप्शन ये हो गए इंसर्ट करने का अब मैं बताती हूं डिलीट करने का मुझे ये डेटा डिलीट करना है बच्चों एक चीज है सेल डिलीट करना और सेल के डेटा को डिलीट करना दोनों में थोड़ा सा अंतर है तो मैं सबसे पहले तुमको सेल सेल में जो डेटा है उसको डिलीट करके दिखाती हूँ सपोज आई वॉन्ट टू वो डिलीट द डेटा अजय ओके डेटा डिलीट करना है तो क्या करेंगे कीबोर्ड से डिलीट ऑप्शन लिए और प्रेस कर दिए सी अजय जो डेटा था वो डिलीट हो गया लेकिन वो सेल वहीं के वहीं है तो सेल को मुझे पूरा डिलीट करना है तो क्या करेंगे ओके आई वॉन्ट टू डिलीट अ सेल नॉट द नॉट जस्ट डेटा मुझे पूरा वो अजय को ही डिलीट करना है वो इंटायर सेल को डिलीट करना है तो क्या करेंगे सेम प्रोसेस सेलेक्ट करोगे होम टैब में सेल ऑप्शन में जाएंगे ठीक इंसर्ट के बगल में देखो डिलीट है तो सबसे पहला जो ऑप्शन है ऊपर क्लिक करके देखते हैं सी देखा वो अजय डिलीट हो गया और बाकी के जितने डेटास थे वो ऊपर शिफ्ट हो गए अब हम लोग ड्रॉप डाउन मेन्यू के थ्रू सेकेंड वाला ऑप्शन करके देखते हैं उसमें तुमको चार ऑप्शन दिखाएंगे कैसे पहले हम लोग अंडू कर लेते हैं पहले देखते हैं शुरू से हम लोग देखेंगे कि ना अजय वापस से है मुझे अजय पूरा सेल को डिलीट करना है ध्यान रहे सेल को डिलीट कर रहे हैं डेटा को नहीं डेटा अगर डिलीट करना है मीन सेल वहीं के वहीं है बस अजय को डिलीट करके दूसरा कुछ भी लिखना चाहते हो देन द ऑप्शन इज दिस ठीक है लेकिन यहाँ पे तुमको पूरा सेल डिलीट करना है तो क्या करेंगे अगेन ड्रॉप डाउन मेनू पे जाएंगे डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे सी चारों के चारों ऑप्शन दिखा रहा है ना तो डिलीट करने के बाद शिफ्ट सेल्स लेफ्ट तो इससे क्या होगा देखो पहले तो शिफ्ट सेल्स अप अगर हम लोग इसको अभी ओके okay कर देती हूँ तो जैसे पिछले टाइम पे हुआ था अजय हट गया और अमन विष्णु से वो ऊपर चले गए थे करेक्ट वो पूरा सेल डिलीट हो गया था और यहां पे बोल रहा था शिफ्ट सेल्स अप तो बाकी के जितने सेल्स हैं उनको ऊपर ले लीजिए तो अजय के जगह पे अमन विष्णु फिर इस तरीके से नाम आ रहा था तो उसको देखने की जरूरत नहीं है वो ऑलरेडी हम लोग देख लिए अभी शिफ्ट सेल्स लेफ्ट बोल रहा है यानी कि जब अजय हट जाएगा अब जितने सेल्स हैं लेकिन ए सोनारी मैथ्स का जो भी था वो सब कुछ लेफ्ट आ जाएंगे कैसे नाउ देखते हैं देखो हो गया ना अजय डिलीट हो गया अब जो यहां पे सेक्शन एड्रेस के नीचे जो था वो आ गया लेफ्ट को क्योंकि हम लोग शिफ्ट सेल्स लेफ्ट पे क्लिक किए थे करेक्ट अब हम लोग दोबारा से देखते हैं डिलीट ड्रॉप डाउन चाहो तो एंटायर रो और कॉलम को भी डिलीट कर सकते हो सी अगर मैं एंटायर रो करूंगी तो ये पूरा वन अजय ए सोनारी मैथ्स ये एक मिनट रुको सी वन अजय ए सोनारी सेवेंटी सिक्स सेवन फिफ्टी सिक्स वन डबल नाइन सब कुछ डिलीट हो जाएगा अगर मैं एंटायर रो पे क्लिक करती हूँ तो ओके अगर मैं एंटायर कॉलम पे क्लिक करती हूँ तो क्या डिलीट हो जाएगा पूरा नेम वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा तो ये हो गया सेकेंड ऑप्शन डिलीट करने का दूसरा ऑप्शन एज मैंने कहा वहीं पे कर्सर रखो कहीं होम टैब या कोई सेल में जाने की जरूरत नहीं है सीधा राइट क्लिक करोगे डिलीट ऑप्शन दिखेगा क्लिक ऑन इट सी वही सेम चार ऑप्शन तुमको यहाँ भी दिख जाएंगे तो जो तुमको जैसा मन है तुम लोग वैसा डिलीट कर सकते हो स्टूडेंट्स डू प्रैक्टिस इट ये देख के लग रहा है कि अरे कितना ईजी है बट डू प्रैक्टिस इट तब डिफरेंस समझ आएगा ठीक है थैंक यू एवरी